कम हुआ माँ गंगा का जल स्तर और बदला राजघाट का नज़ारा। सो नमस्कार है मित्रों, आप लोग के साथ भाई आ चुका है राजघाट। और राजघाट माँ गंगा का जलस्तर कम होने के बाद का क्या हालात है, क्या मंजर है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो राजघाट चालू हो चुके हैं, क्या क्या अभी नहीं चालू है, सारी अपडेटिंग में दिखाऊंगा। रेड लाइट जो है क्लियर लाइट के कितना नीचे तक माँ गंगा के जलस्तर चला गया है, रेड लाइन जो खींची गई उसका कितना नीचे तक आगे चला जा गया है पानी नीचे तक, वो अपडेट दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे राजघाट पुल, वो मौलवी पुल जिसे नाम से जाना जाता है, का नज़ारा देखे। आइए बैक कैमरा दिखाते हैं इधर आप लोग को क्रूज। दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं क्रूज जा रही है पैसेंजर बैठा कर, ठीक है। क्रूज से लोग यहाँ से घूम सकते हैं, यहाँ भागीरथी क्रूज है, ठीक है। जब आप लोग को नज़ारा सामने दिखाई दे रहा होगा, पुल के नीचे से देखते हैं कैसे जा रही है। देखते जल स्तर कम होने के बाद नज़ारा कुछ हालात कुछ इसका दिखा दे रहा, लोग काफ़ी इंटरटेनमेंट मस्ती भी करते हुए दिखाई देंगे आपको। घाट पे दिखा रहे हैं मैं इस साइड आप लोगों को, उधर लोग स्नान करते हैं आप लोग दिखाई दे रहे होंगे। मगर नाव अभी पूरी तरीके से दोस्तों अभी क्लोज है, नाव को भी अलाउ नहीं है जाना आना, ठीक है। तो जकड़ा हुआ सामने 75 फीट बनाई गई हाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही है। और इधर घाटों पर रेत का पहरा उस द्वारा जब तक हटाया नहीं जाएगा, सफाई नहीं होगी तब देखते हैं। घास जो जाएगी घास के काफ़ी आगे तो मांगने के जरूरत, इस बार काफ़ी भयानक बढ़ा था, ठीक है दोस्तों। और ऊपर देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, नीचे से ट्रेन जाती है। और ये रेप अभी भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये ज़्यादा जैसे ही कम होगा आगे तक नाव को भी छोड़ दिया जाएगा, नाव से आप लोग घूमने का। इस बार दो दिन के बाद जैसा कि बताया जा रहा है दोस्तों, दो दिन के बाद से सफैया बेहतरीन चालू होगा, अपडेट मिल जाएगा इन लोग को, सफैया चालू होगा और जलस्तर कम हो जाएगा। तो देखने में कुछ भयानक अच्छा लगेगा नज़ारा सफैया पे होने के बाद, ठीक है। तो इधर देखते हैं लोग स्नान स्नान भी कर रहे हैं, और इधर से काफ़ी आगे तक जलस्तर था, अब कम काफ़ी हो गया है, इधर से काफ़ी आगे तक जलस्तर था यहाँ तक सीढ़ियों का, सीढ़ियों को छोड़कर काफ़ी नीचे चली गई हैं माँ गंगा। राजघाट का नज़ारा दिखता है इसके अंदर दिखाई जा रहा है दोस्तों आप लोगों को, सीढ़ियों को छोड़कर काफ़ी नीचे चली गई है माँ गंगा। मगर जब नीचे जाती हैं तो साथ में रेत का परत कुछ इसके अंदर छोड़ के जाती हैं, जो आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। आए चलते हैं आगे, भाई आ चुका है लेटेस्ट अपडेट के साथ राजघाट, और राजघाट का नज़ारा कुछ इसका दिखा रहा है। जलस्तर तो कम हुआ है मगर बता दें कि अभी उतना भी कम नहीं हुआ है कि लोगों को इजाज़त दी जा सके नाव से घूमने को, ठीक है। जलस्तर कम जब होता है तो घाटों का हालात एकदम गड़बड़ा जाता है दोस्तों, एकदम बिगड़ जाता है, क्योंकि रेत का इतना मोटा मोटा परत रहता है कि तुरंत साफ भी नहीं किया जा सकता, कुछ दिन टाइम लगता है, मेहनत लगता है, मशक्कत लगता है। और देखते हैं ये देखिए रैप अभी तक माँ गंगा के जलस्तर में डूबा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इधर का नज़ारा दिखा दें, कुछ किस तरह नज़ारा अभी भी देखने में लग रहा है। जल स्तर कम होने के बाद कुछ इस कदर नज़ारे दिख रहा है राजघाट का दोस्तों, कम हुआ जल स्तर, देखते हैं रेत का परत अब घाटों पे जमाया अपना पहरा। जब से सफैया नहीं होगा तब से इस कदर नज़ारे देखने को मिला है घाटों पे, ठीक है दोस्तों। किनारे के पूरा घाट ही उजड़ गया है, रेत में ऐसा ढक गया है दोस्तों, ऐसा देखने में लग रहा है। और देखते हैं यह नज़ारा पुल का काफ़ी करीब का, रेड लाइट लाइन जब खिंचा हुआ है देखो दोस्तों, अभी उसकी काफ़ी नीचे तक जलस्तर है। और इधर इधर रेत का पहरा काफ़ी है अंदर तक। जलस्तर कम होने के बाद लेटेस्ट अपडेट राजघाट का आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कि क्या हालात है घाटों का, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देते हैं अपडेट राजघाट का आप लोग के बीच। आइए चलते हैं आगे आगे से दिखाते हैं वीडियो में, हमारे साथ लास्ट तक देखा एक लेटेस्ट अपडेट भाई से आ चुका है राजघाट, और सामने दोस्तों दिखा दें राजघाट पुल। और ये पुल के बीच में देखिए पिलर माँ गंगा का लहर जो है अभी भी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। माँ की जल स्तर तो काफ़ी कम हो गया, अभी और भी कम होना बाकी है, हो जाएगा तो लोगों को घूमने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं सारे प्रतिबंध से मुक्त हो जाएंगे लोग घूमने के लिए, ठीक है दोस्तों।
देखते हैं नज़ारे कुछ इस कदर है घाटों का। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं राजघाट। माँ गंगा के जलस्तर कम होने के बाद नज़ारा कुछ भयावह इस कदर दिखने में लग रहा है। पूरा रेत ही रेत घाटों पे जमा इस कदर दिखाई दे रहा है। बने रहेगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। भाई आ चुका है राजघाट, दिखाएगा लेटेस्ट अपडेट राजघाट का। देख रहे हैं रेत का परत, अभी भी रेत का जो है मंजर। अभी दो दिन बोले हैं लोग कि दो दिन के बाद सफाइया चालू हो जाएगा। जब दो दिन बाद सफाइया चालू हो जाएगा नज़ारे कुछ भयानक जो लग रहा है। अभी साफ सुथरा हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत घाट का नज़ारा लगेगा देखने में। ठीक है दोस्तों, सामने नज़ारे देखते हैं लोग नहाते हुए दिखा देंगे कुछ इस कदर। ठीक है, और ऐसे नज़ारे कुछ इसके तो दिखाई दे रहा है सामने का। और ऐसा ये इधर अभी भी जलस्तर का पहरा इधर अभी है। ठीक है, दो दिन बाद धीरे धीरे घटने लगेगा तो कुछ भयानक लगेगा नज़ारा। अभी घटने लगेगा तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगेगा देखने में जब घट जाएगा तब। अभी कुछ इधर नज़ारा देखने में लग रहा है। ठीक है, इस साइड देख रहे जो रोड मार्ग दिखाई दे रहा है, इस साइड से नमो घाट जाने के लिए पूरा फूल खुला था रोड मार्ग। जब से माँ गंगा के जलस्तर का पारा हुआ है इस साइड का रोड मार्ग देख रहे हैं पूरी तरीके से बंद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी सफैया हो जाने के बाद पूरे तरीके से चालू हो जाएगा इधर का रोड मार्ग। अभी सफैया नहीं हुआ है तो अभी इधर पूरा रोड मार्ग बंद है। सफैया होने के बाद पूरा रोड मार्ग चालू हो जाएगा। देखते हैं नज़ारे, अभी जलस्तर कुछ इस कदर भरा हुआ है अभी भी तो नज़ारा कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी आगे तक माँ गंगा का जलस्तर भी भरा हुआ है। इधर कभी देखते हैं काफ़ी आगे तक माँ गंगा का जलस्तर भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं ये लाइन जो लगाई गई थी, ये लाइन इधर काफ़ी अंदर पे भी डूबा हुआ है। ठीक है दोस्तों, किनारा काफ़ी भयावह लग रहा है दोस्तों में। जलस्तर जैसे ही कम होगा दोस्तों, नज़ारा कुछ भयानक लगेगा देखने में। कम होने के बाद दोस्तों चमचमा उठा घाटों का नज़ारा। सामने दिखा दे फिर से नज़ारा राजघाट पुल का। और इधर देखते हैं मैं जैसा कि दिखा दूँ फिर से, इधर दोस्तों जाने के लिए इधर राजघाट से नमो घाट के लिए रूट मार्ग जो पूरी तरीके से बंद है। इस कदर बंद है कि दोस्तों अभी रेत का परत, माँ गंगा का जलस्तर तो कम हुआ है मगर रेत का परत पूरी तरीके से पहरा अपने डाल कर रखा हुआ है। इधर से अभी भी देखते हैं पूरा कचरा है, लोगों का आना जाना नहीं है इधर से। नहीं तो अगर खाली हो गया तो लोगों का जाना आगमन हो सकता है साफ होने के बाद दोस्तों। तो ये नज़ारा था राजघाट का, देखते हैं अभी का नज़ारा। और फिर से मैं देखा तो जूम करके रेड लाइन के काफ़ी नीचे तक माँ गंगा का जलस्तर देखते हैं कम हो चुका है। ठीक है, खुशी कब होगी जब जलस्तर और कम हो जाएगा, लोगों को नाव से घूमने को मिलेगा। तो आज का लेटेस्ट अपडेट था कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए भाई चलता है आगे, आगे चल के भी दिखाता है लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। पूरा रूट मारे पूरा रेत रेत भरा हुआ है दोस्तों। राजघाट के ये माँ गंगा के जलस्तर कम होने के बाद लेटेस्ट अपडेट दिखा भाई, कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चले भाई इसे वीडियो करता है क्लोज, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे कदर अपडेट के साथ। कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलिएगा।